अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफिया से होंगे। तो जी गाइस, इस वीडियो में आप दोस्तों के लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ वो आप दोस्तों को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो। तो जी गाइस, माशाल्लाह आज बहुत तेज़ और मज़ेदार धूप निकली है। तकरीबन 3 दिन हो गए अब ना लगातार धूप निकल रही है। तो धूप का हम फ़ायदा उठाते हैं, जो अपने चिक्स हैं ना हम वोल्गा के इनको बाहर निकालते हैं और हमारे जो सिल्की के चिक्स हैं उनको भी निकालते हैं। और ये देखें, हमारा लॉन्ग फेस का जो बेयर है ना वो भी सुस्त होकर बैठा है, इनको भी धूप में छोड़ते हैं। और ये रहा जी आज का हमारा सरप्राइज़। तो इससे पहले यार ना हम अपने चिक्स को ना धूप में छोड़ लें, तो फिर आप दोस्तों को दिखाते हैं अभी इसमें क्या है। तो ये देखें, आज हम वोल्गा चिक्स को ना धूप में छोड़ते हैं ताकि इनके जो विटामिन हैं वो पूरे हो सकें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए धूप नहीं सही तरह निकल रही थी, अब निकलनी स्टार्ट हुई है। तो इनको पकड़ते हैं और छोड़ते हैं इनको बाहर। आज ये जी एक मैंने निकाल दिया, चलो अभी घूम फिर लो जल्दी से। दूसरा भी आ गया जी, ये तीसरा भी, और ये हमारा जी आ गया स्वेलो का पीस, इसको जिसको हमने हैंड फीड पर रखा हुआ है। वो देखें, वो उधर केज के नीचे चला गया। चलो इसी को भी निकाल दिया बाहर, चलो अभी धूप में। चलो अब ये धूप में फिर तुर लेंगे तो थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कैसे आप अपने पंखों को ना खिला रहे हैं। तो लॉन्ग फेस का भी यार पेयर बाहर निकाल देते हैं। तो जी अब हम अपना लॉन्ग फेस का पेयर बाहर निकालते हैं, इसको भी धूप में छोड़ते हैं। चलो अभी ये जी हमारी फ़ीमेल गई और ये जी हमारा चला गया मेल बाहर। इधर ना यार येलो वाला भी पेयर निकाल देते हैं, क्योंकि इनका कम्बिनेशन पहले नहीं था आपस में, तो इसकी टेंशन नहीं है। क्योंकि रेड और ब्लैक के हैं ना जो हमारे दो पीस, ये देखे कैसे इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी हमारे यार ना जो चूज़े हैं वो बाहर निकालने वाले रहते हैं, उनको भी बाहर निकालते हैं सिल्की वाले। तो ये देखें, ये इंजॉय कर रहे हैं अभी सिल्की चिक्स को भी बाहर निकाल। चलो अभी आ जाओ तुम्हें भी बाहर निकालते हैं। ये इधर जी मैंने इनका केज ओपन कर लिया, ये देखें ये काफ़ी दिनों के बाद इनको आप धूप में छोड़ेंगे। ये धूप मैंने पकड़ ली, ये भी छोड़ दिए बाहर, ये इसको भी पकड़ लिया। जो सिल्की वाले ना वो बहुत तेज़ हैं चूज़े, वो नहीं हाथ में आते जल्दी। ये देखिए सिल्की वाले बाहर आ गए, इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, ये भागते बहुत तेज़ हैं। तो ये भी पकड़ लिए हैं जी। चलो अभी आ जाओ तुम भी इधर घूम फिर लो धूप में। चलो शाबाश, चलो। ये देखें, तो ये भी हमने निकाल लिए इधर हमारे लॉन्ग फेस के। वोल्गा के चिक्स ना फिर छाँव में आ गए। तो जी गाइस, अब हम अपने चलते हैं सरप्राइज़ की तरफ और इसको करते हैं ओपन और आप दोस्तों को दिखाते हैं इसमें क्या है। पहले ना यार चिक्स को इधर धूप में कर देते हैं, क्योंकि इधर ये छाँव में आ गए। चलो भागो इधर सब, चलो। ये देखें कैसे ना ठंड की वजह से किस तरह उससे हो गए, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे बेहतर, क्योंकि मौसम पहले काफ़ी ख़राब था, अब कुछ बेहतर हुआ है। तो ये जी मैं अपने पार्सल को ओपन करने के लिए छुरी लेकर आया हूँ, तो चलिए इसको करते हैं अब ओपन। इधर से बहुत ना उन्होंने ज़बरदस्त पैकिंग की हुई है इसकी, दो दो तीन तीन जगह पे टेपें लगाई हुई हैं। चलो अभी हो जाओ आप ओपन। तो जी गाइस, हमने कर लिया इसको ओपन। ये देखें जी, इसमें है जी हमारे बर्ड्स के लिए नेसेसरी का सामान हमने मंगवाया, ये आप दोस्तों को भी चेक करवाते हैं। ये देखें जी, ये इनके लिए फीड बॉक्स है। तो अभी ये मैं बाहर निकालता हूँ सारे जल्दी से। ये देखो, तो इधर कुछ की ना ऊपर से ये उतरी हुई हैं, ये देखिए हम लगा देते हैं ये इस तरह से इसके ऊपर लगेंगे। ये जी इसकी भी मिल गई है। तो ये जी इनकी फीड के लिए हैं, ये वाले ये 9 हैं शायद 10 थे, हाँ ये 10वां भी मिल गया, ये इधर आ गया जी। और उसके बाद जी ये इनके ना जो पानी के लगाने वाले और ये केज के साथ लगाने के लिए होता है, ये वाले भी आ गए। ये देखें जी, ये भी इधर आ गए जी। उसके बाद जी ये हैं हमारे फीड बॉक्स, ये आ गए फीड बॉक्स जी इधर। और ये चेक करें, ये एग हैं जी पिजन के लिए, इनके नीचे जो अब हम अंडे जो फोस्टर करते हैं ना पिजन के, तो उनके नीचे जो हम फिर दूसरों के नीचे जिनके एग फोस्टर किए होते हैं उनके रखने के लिए हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, तो ये आप रख सकते हैं ये देखें। और उसके अलावा जी ये इधर मुर्गियों का सामान है, इसको भी ओपन करते हैं। ये देखें जी, ये एग हैं जी, नकली एग हैं ये मुर्गियों के लिए उनके नीचे रखने के लिए, ये वाले। तो
तो ये, और ये जो हमने हमारे ये चिक्स जो लड़ते थे ना आपस में, ये इनके लिए मंगवाया है। ये इनकी नोज़ के ऊपर लगेगा, इससे ये कि आगे देख नहीं सकेंगे, बस ओनली अपना खा पी सकेंगे, और जिससे ये होगा कि ये आपस में फ़ाइट नहीं करेंगे। चार पीस हमने ये मंगवाए हैं, और ये चेक करें, ये पिजन के एग के लिए ये ट्रे हैं, ये देखिए। तो इनके ना बीच में रखने के लिए, ये आप दोस्तों को दिखाते हैं, ये वाले होते हैं, ये इस जगह पे ना आ जाएंगे इनके एग देने के लिए, इधर ये पिजन अपने एग दे सकेंगे, ये देखें। तो ये जी हमने ऑनलाइन मंगवाया है सामान, इसको तकरीबन हमारे पास 4-5 दिन में पहुँचा, ये देखें। ये नेसेसरी है जी, ताकि अपने बर्ड्स के लिए यार, क्योंकि हम ताकि इनसे ना अच्छी सी ब्रीड ले सकें। ये इनके लिए अंडों वाले बॉक्स हैं, इनकी ये ट्राई करेंगे। पहले हमने इधर ना कुंडे वगैरह रखे हैं, उनसे भी उनमें भी बेस्ट है, देखेंगे अगर ये बेस्ट रहा तो फिर हम इनके लिए और भी मंगवाएंगे, ये फीड के लिए और ये अपनी मुर्गियों के लिए, क्योंकि मुर्गियों का जिधर से एग उठा लेना वो यार दूसरी जगह पर एग दे देती हैं, फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उधर हम ये एग रख देंगे। और ये हमारे पिजन के लिए जी एग, ये चेक करें, ये तो शायद जैसे पत्थर के बने हुए हैं, बहुत हार्ड एग हैं, ये चेक करें। तो जी गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो, आप दोस्तों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसके साथ अपने दोस्त मोहम्मद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।